नहीं, ये सब झूठा है उमेश जाधव, झूठा झूठा। लोकसभा सदस्य कोई है इंडिया में बोले तो उमेश जाधव पहला नंबर में आता। झूठ बोल के वादा करके हमारा वोट लिए, वो निभाया नहीं। आपको शर्म नहीं आती? ये कर्नाटक में रहते कोली समाज के जो सब लोग है, हमको क्षमा मांगना चाहिए। कैसा आपको जिताए इस बार, आपको हरा के, उमेश जाधव को हरा के हमारा कोली समाज का क्या निर्णायक स्थान है वो हम जरूर बताएंगे। के राधा कृष्ण दौड़मणि को इस बार जीत के जिता के लाना है, उमेश जाधव को घर भेजना है। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hill Circle Ring Road, Gulbarga. भाइयो, आज कर्नाटक है, यहाँ पर रहने वाले कोली, कबलिगा, अंबिगा, बेस्ता, बारकेर, सुनगार, ऐसे नामों से जाने वाले कोली समाज कर्नाटक में, यहाँ पर जो पिछले गए 5 साल के पहले चुनाव हुआ था लोकसभा और उससे पहले विधानसभा, ये दोनों चुनाव में ये जो बीजेपी के लोग, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कर्नाटक में चुनाव प्रचार में आए थे, उस समय में ये लोगों का नजर में रखते हुए, जो यहाँ पर ज्यादा संख्या में रहने वाले कोली समाज को नजर में रखते हुए अपने प्रचार के भाषण में हमारा जो कोली समाज के एसटी बनाने का जो फाइल है वो केंद्र में 2014 से पिछले जो 2014 के पहले हमारे सिद्धरामैया सरकार था, उस समय में उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, हमारे जो डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे, हमारा जो एसटी का फाइल यहाँ पर कर्नाटक से प्रस्ताव दिल्ली को भेजा था, केंद्र सरकार में वो फाइल है। ये सब जानकर ये लोगों को एसटी जरूरत है, ये कोली समाज के लोगों को यहाँ पर एसटी जरूरत है, ये सब जानकर यहाँ पर धोखा देने के लिए जो बीजेपी के लोग हमारे को धोखा दे के, तुम हमारे को वोट दो, अगर तुम बीजेपी को वोट दे तो चंद दिनों में आपका एसटी बना के देते बोल के भरोसा दिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर भाषण में जो गुलबर्गा क्षेत्र है, डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो क्षेत्र था, जो 5 साल पहले का जो चुनाव चल रहा था, उस समय में प्रचार भाषण में अपने भाषण में बोले प्रधानमंत्री के, मैं कोली समाज को याद रखूंगा, आपकी मांग पूरी की जाएगी, आप बीजेपी के साथ दो, हम तुम्हारे साथ देते बोल के वादा किए थे। और 5 साल के बाद एक बार भी याद नहीं करे, हमारा जो कोली समाज का एसटी फाइल था वो वापस भेज दिया, कैंसिल कर को 6 महीने पहले वापस भेज दिए, जो चुनाव का समय में ये नहीं होता बोल के वापस भेज दिया। अरे मोदी, कश्मीर का 370 आप कैंसिल कर सकते, 3 तलाक कैंसिल कर सकते, और जो हमारे शेतकारी किसान लोगों का जो फाइल था बिना चर्चा के कैंसिल कर सकते, हमारा कोली समाज का एसटी क्यों नहीं बनाया? क्या आप झूठे हो? क्या आपके बीजेपी लोग झूठा है? अरे लोगों को झूठा बोलकर, झूठा वादा देकर हम लोगों को फंसाया गया कर्नाटक में, जो कोली समाज के लोग रहते हमको फंसाया गया, हम उनके बातों में आकर, उनके जो बीजेपी के मोदी और जो बीजेपी के यहाँ का लोकसभा सदस्य उमेश जाधव, जिनके ऊपर भरोसा रख के पिछले गए 5 साल चुनाव में हम यहाँ के जो नेता, बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी को हराए, बीजेपी को जिताए। और उमेश जाधव साहब को हम ये बोलना चाह रहे हैं, आज के दिन जो 2 दिन पहले उन्होंने एक भाषण में बात किया, कोली समाज का जो एसटी का फाइल था वो उसका चर्चा था राज्यसभा में, उस समय में मल्लिकार्जुन खड़गे गैर थे, उन्होंने विदा वो चर्चे से बाहर गए बोल के यहाँ के लोगों को गुमराह करने के लिए बात करे। नहीं, ये सब झूठा है उमेश जाधव, झूठा झूठा। लोकसभा सदस्य कोई है इंडिया में बोले तो उमेश जाधव पहला नंबर में आता। अरे वो हमारा फाइल उधर तक गया ही भी नहीं, आरजे से, रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया से हमारा फाइल वापस आया, तो वहां चर्चे कब हुई, उन्होंने बाहर कब गए? ये यहाँ के जो रहते लोग, जो खेड़े में रहते ये लोग, हम कुछ भी बोले तो सुनते, हमारे लोगों को उल्लू बनाने के लिए, उल्लू बनाने का काम कर रहे। अरे उमेश जाधव, हमारा फाइल उधर गया भी नहीं, चर्चा में आया भी नहीं।
आपको शर्म नहीं आती ऐसा झूठ बोलने? 5 साल पहले जो आपने झूठ बोला था, झूठ बोल के वादा करके हमारा वोट लिए, वो निभाया नहीं, आपको शर्म नहीं आती? ये समाज के सामने आप क्षमा मांगना चाहिए। जो कर्नाटक में रहते कोली समाज के जो सब लोग हैं, हमको क्षमा मांगना चाहिए। गुलबर्गा में इतने सारे लोग रहते, आपको इतना सारे लोग हम गए चुनाव में जीत के लाए, हमारे को झूठ बोले और आज भी झूठ बोलने आए, ये बिल्कुल लाइनसाफी है। ये हमारा जो कोली समाज के लोग आपका जो रखते फूल कान में, वो रखने वाले रख लेने वाला नहीं है। गुलबर्गा में कलबुर्गी में निर्णायक स्थान पर है हम। पिछले कैसा आपको जिताए, इस बार आपको हरा के, उम्मीद जादव को हरा के हमारा कोली समाज का क्या निर्णायक स्थान है वो हम जरूर बताएंगे। और इसलिए हमारे कर्नाटक में रहने वाले कोली समाज के लोग, हम सब मिलके इस बार कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। जो गुलबर्गा में कलबुर्गी में छहरे कांग्रेस पार्टी के तरफ से राधा कृष्ण दोडमनी, जिनको हमारे कोली समाज के पूरे जो समझदार लोग है, जो जानदार लोग है, जो हमारे जो युवा पड़े है, जो हमारे यंगस्टर्स है, हम सब इस बार तय किया हुआ है कि राधा कृष्ण दोडमनी को इस बार जिता के लाना है, उमेश यादव को घर भेजना है। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bale Hill Circle Ring Road, Gulbarga.